साथ उनका स्वागत करें। Always been inspiration. अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर एक बहुत ही सुंदर एल्बम हेमा जी की आवाज में हमने रिलीज किया था, दिवाली की भेंट थी लोगों को, वो था सौंदर्य लहरी। और इसी मंच पर वो हमने दिवाली से पहले रिलीज किया था एंड आई कुड रिमेम्बर दैट एंड विश्वमोहन जी आप विश्व विख्यात हैं मोहन बीना के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस एल्बम में कंपोजिशंस दी आपके और एक से एक बढ़कर गाने आए हैं। सौरव थैंक यू वेरी मच, आप अभी आप सबने देखा होगा कि सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में कई विभूति हुई और प्यार और भावना की जीती जागती मूर्ति मीरा हमारे राजस्थान से, मेड़ता सिटी से, तो मीरा हमारे अंदर रची बसी हुई हैं। उनके हर गीत कृष्ण भगवान को समर्पित वो हमारे अंदर रचे बसे पड़े हुए हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ऐसी मिट्टी में जन्म हमने भी ले लिया, हम भाग्यशाली हैं राजस्थान में जन्म हुआ। फिर मनीषा जी का मैंने जो देखा कि इनका जो डिवोशन है म्यूजिक के लिए, हालांकि ये औद्योगिक घराने से संबंध रखती हैं मनीषा जी को बहुत बहुत बधाई है क्योंकि ऐसा एल्बम उन्होंने तैयार किया है जिसमें पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने अपना गोल्डन टच दिया है और उनके बेटे सौरभ बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन है। अभी हमने एक एल्बम किया है वी लव यू जगजीत, उसमें भी सौरभ जी ने म्यूजिक अरेंजमेंट किया है। गौरी जी को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जब कोई क्वालिटी प्रोडक्ट आता है तो ये उसको ढूंढ लेती है, वो फिर और कहीं जा नहीं पाता, वो इनकी कंपनी में ही पहुंच जाता है। हमने इसके पहले बहुत काम किया है गौरी जी के साथ और बहुत अच्छा लगा है काम करके। हेमा जी के लिए क्या कहा जाए, इतनी व्यस्त होने के बाद भी जो इन्होंने अपने शास्त्रीय नृत्य को उसी स्तर के साथ सारी दुनिया में पेश करना बंद नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इतनी मेहनत का काम है ये, इतनी रिहर्सल्स होती है और जब स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है तो बस वो उसका एक नशा चढ़ा होता है और कुछ नजर नहीं आता है। मैंने देखे हैं कि परफॉर्मेंस और बस साक्षात वही कैरेक्टर लगता है जो बन के आ जाती है। भगवान से प्रार्थना है कि इनको शक्ति दे और चलता रहे सिलसिला, क्योंकि और किसी ने किया नहीं इतना जितना हेमा जी ने किया है। और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी काम कर रही, अभी हाल ही में इनको उसी सिलसिले में एक एक्सीडेंट में थोड़ी चोट लग गई थी। तो मैं इनको इतना पसंद करता हूँ, इनकी कला को, इनके डांस को, इनके एक्टिंग को, कि मैं अभी भागा भागा जयपुर पहुँच गया जिस हॉस्पिटल में थी मैं वहाँ पहुँच गया और भगवान से प्रार्थना की कि इनके सामने आके प्रार्थना की कि ठीक हो। विश्वमोहन भट्ट जी, अनूप जलाना जी, मनीषा जी, टाइम्स म्यूजिक के गौरी और यहाँ पर उपस्थित सभी संगीत के रसिक लोग, आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर मेरा सम्मान किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। कुछ दिन पहले, एक साल पहले मैंने गौरी जी के साथ मिलकर, इन्होंने मेरा म्यूजिक रिलीज किया था सौंदर्य लहरी,
कैसे चल रहा मुझे नहीं मालूम, बट बहुत ही इंटरेस्ट के साथ किया था मैंने, दो इट इज नॉट माय फील्ड. अभी जो मैंने देखा मैं हूँ मीरा, इसके कुछ जो झलक निकलाया था बहुत ही सुंदर. आप बहुत सुंदर गाती हैं, इट्स बीन ब्यूटिफुली म्यूजिक गिवन बाय मोहन जी एंड भजन के सम्राट जी अनुप जलर, इतना अच्छा गाए और इन्होंने बहुत अच्छा सुंदर वर्ड्स मेरे लिए कहा, इसके लिए भी धन्यवाद. बहरहाल हम लोग कलाकार हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है. जब किसी का कोई कुछ तकलीफ होता है तो कैसे हम सब इकट्ठा हो जाते हैं, ये मैंने देखा जब अभी हाल ही में. But I feel very nice. I belong to this beautiful field of music and dance, though I am also a Bollywood actress. मैं हूँ मीरा. जब ये सुना मैं हूँ मीरा, ये कौन है? क्योंकि मैं हूँ मीरा है my guru माँ इंदिरा देव. I hope I won't take much time. Would you like to hear? Yes, हमारी गुरु माँ हैं माँ इंदिरा देवी, जिनकी प्रेरणा से मैंने वो फिल्म की थी मीरा, जिसे गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी. बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस डेट वॉज. तो उनको हमेशा मीरा की प्रेरणा मिलती थी और उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं. उनमें से एक है लागी कैसी लगन, जो आप गाते हैं. That is written by माँ इंदिरा देवी जी. वो और इसके अलावा मन करता है मैं फिर एक बार वृंदावन जाऊँ, ऐसे बहुत सारे गाने उनको सुनाई देता था. And then she used to write it. तो वो सब लेकर मैंने मेरा डांस बैले में यूज किया है. I have done that dance. But my experience doing Meera film was something very very wonderful. उसमें बहुत चाहा था हमने कि लता मंगेशकर जी उसमें गीत गाए. एंड बिकॉज इट वॉज गिवन, म्यूजिक वॉज गिवन बाय रविशंकर जी. किसी वजह से वो गा नहीं सकी, देन वाणी जयराम शी सैंग फॉर दैट सॉन्ग. बट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स वर गिवन बाय रविशंकर, विच आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एंड आई जस्ट मर्ज्ड इन दैट रोल ऑफ मीरा. So nice. I experienced her feelings, everything. And उसमें गुलजार साहब ने कैसा उस character को भर कर लेकर आए. She is a कवियत्री, but at the same time a very strong-headed personality as a woman. How she stands for her own thoughts. उस जमाने में कैसे उसने उसके गुरुजी जो थे उसमें उनके against, मतलब she is very politely, but how she stands for her own thoughts, what she feels is right. And उसकी भक्ति जो कृष्ण के प्रति, it was really something wonderful I experienced that time in a film. उसके बाद लगा थी तो फिल्म तो बन गई, खत्म हो गई, रिलीज हो गई, but it is quite popular even today in the spiritual circle में चलता रहता है वो पिक्चर. I don't know whether it was a big hit or not, I don't think so. But people love to watch that film even today. Which I am very proud of being part of that film, acted as Meera. And then मुझे लगा कि मेरी माँ गुरु माँ ने inspire किया कि you perform on the stage. The performance जब आप करते हैं stage में every day, every time you are performing, you are experiencing that character. So that will give you more inspiration. You must do it. Then we composed a very beautiful music by Shaili Datta करके दिल्ली से थे. उन्होंने ऐसा music दिया और कविता कृष्णमूर्ति ने इतना ब्यूटीफुल गाना गाया उसको. मैं व्हेनेवर आई परफॉर्म आई जस्ट गेट लॉस्ट इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. सो आई टेल पीपल दैट व्हेन आई परफॉर्म मीरा और एनी अदर कैरेक्टर्स आई डोंट फील दैट आई एम हियर इन दिस डायमेंशन. आई मीन अ फोर्थ डायमेंशन इन डिफरेंट वर्ल्ड विद अ डिफरेंट पीपल विद अ डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो दैट इज हाउ दैट मीरा व्हेन आई डांस in ISKCON only when I started performing, that was my first ballet composed, Meera, and I started performing here for Bhakti Kalakshetra. So I really had a beautiful feeling.
20 years back we composed and still I'm performing. Even today when I dance, I just get carried away. I go to a different plane altogether. So that was the experience I have gone through. It's all because of beautiful music given by the music directors, which inspires an artist to perform well, to emote the emotions well. So ये सब combine होके इतना सुंदर सा एक कार्यक्रम हम कर पाते हैं. So after experience all that, now when I'm hearing Manisha singing thing, it is really very nice. You are able to do, justice, very very beautiful, and you have also picturized as Meera. It is very lovely, lovely to see. So I pray to God and that this music album should be a big hit everywhere all over, and I congratulate Gauri for taking initiative and releasing it. And wonderful music by you, Vishwa Mohan Banji. Thank you. So I hope you, did you meet me at the Jaipur that time? Or we met at the distance only?